Dear students, yesterday we have already studied about the some terminologies which are related to genetics. Two terminologies which have been remaining here, we will see. First is phenotypic ratio. पहली यहाँ पर जो रहेगी वो that is called as phenotypic ratio. The ratio of external appearance of the living organism. External appearance of living organism, इसको अगर हम यहाँ पर ratio के form में यहाँ पर हम लिखते हैं तो that ratio that must be called as phenotypic ratio. आपको यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर मेंडल ने जो भी उसका रिकॉर्ड था वो परफेक्ट रेशो के अंदर यहाँ पर जो शो किया गया तो वो है फेनोटाइपिक रेशो और जेनोटाइपिक रेशो. इस तरीके से उसको जो यहाँ पर शो किया गया है वही चीज हमें यहाँ पर देखना है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फेनोटाइपिक रेशो, द रेशो ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज फेनोटाइपिक रेशो. उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो रेशो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज जेनोटाइपिक रेशो. जेनोटाइपिक, जेनोटाइप की डेफिनेशन आपको पता है. जेनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं रेशो ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको अगर रेशो के फॉर्म में यहाँ पर शो किया जाए दैट मस्ट बी कॉल्ड एज जेनोटाइपिक रेशो. तो ये दो टर्मिनोलॉजीज थी जो यहाँ पर रह गई थी उसको हमने देखा है. अब इसके बाद हमें यहाँ पर शुरू करना है. अगला पॉइंट जो हमें यहाँ पर देखना है वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स. मेंडल्स एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर है, मेंडल ने यहाँ पर जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके जरिए से उसने यहाँ पर हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताए हैं. तो पहला एक्सपेरिमेंट है मोनोहैबिट क्रॉस, उसके बाद है डायहैबिट क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस. तो यहाँ पर मोनोहैबिट और डायहैबिट क्रॉस के जरिए थ्री लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दैट वाज पोस्टुलेटेड बाय मेंडल, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इस तरीके का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से लॉज जो है वहां पर बनाए गए हैं. तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके अंदर से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज मोनोहैबिट क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं बच्चों? इफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर सिलेक्टेड फॉर क्रॉसिंग, अगर क्रॉसिंग के लिए आउट ऑफ सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इफ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर सिलेक्टेड फॉर दैट, दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर मेंडल ने कहा है, पहले ये एक्सपेरिमेंट किया, सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, हर एक का रिजल्ट जब सेम आया तो उसने यहां पर लॉस फ्रेम करने की वहां पर जो है उसने शुरुआत की. तब यहाँ पर मेंडल ने जो सबसे पहले यहाँ पर जो मोनोहैबिट क्रॉस के लिए जो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जो उसने सिलेक्ट किया है, टॉल प्लांट बॉडी दैट आर क्रॉस विद डॉर्फ प्लांट बॉडी. और यहाँ पर मेंडल बताया है कि एज अ पेरेंट द कैरेक्टर्स विच आर सिलेक्टेड दैट मस्ट बी ऑलवेज इन प्योर फॉर्म. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मोनोहैबिट क्रॉस के लिए प्योर टॉल दैट आर क्रॉस्ड विद प्योर डॉर्फ, ये पेरेंट्स रहेंगे और ये प्योर वैरायटी यहाँ पर जो होना चाहिए. तो प्योर टॉल दैट आर क्रॉस्ड विद प्योर डॉर्फ, ये क्रॉस का सिंबल है यानी क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन वहां पर जो किया जाएगा. अब प्योर टॉल के लिए जो जेनोटाइप है कैपिटल टी है, इसका मतलब इसका क्रॉसिंग प्योर डॉर्फ के लिए आपके पास टेबल मौजूद है, टेबल के अंदर ये सिंबल के साथ भी सब चीजें दी हुई है, प्योर टॉल दैट आर क्रॉस्ड विद प्योर डॉर्फ, ये वैरायटी यहाँ पर जो है इस तरीके से पहला जो है यहाँ पर मेंडल ने क्रॉसिंग की है. अब यहाँ पर आप देख रहे हो होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पर भी है, होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पर भी है. जब होमोजाइगस कंडीशन है बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाला है, क्रोमोसोम नंबर दैट मस्ट बी रिड्यूस टू हाफ. तो कैपिटल टी जब इसका गैमेट बनेगा तो एक कैपिटल टी आ जाएगा, जो क्रोमोसोम थे दैट बिकम्स हाफ, क्रोमोसोम यहाँ पर हाफ हो गए. स्मॉल टी इसका जब गैमेट बनेगा ओनली सिंगल स्मॉल टी यहाँ पर रहेगा. तो रिमेंबर दिस पॉइंट बच्चों, यहाँ पर देखना है इन होमोजाइगस कंडीशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम नंबर दैट आर रिड्यूस टू हाफ. तो टू कैपिटल टी में से वन कैपिटल टी, टू स्मॉल टी में से वन स्मॉल टी, ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया है. जब गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर होते हैं तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो इस तरीके से द इंडिविजुअल विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड हियर दैट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन, वन इज डोमिनेंट सेकंड इज रिसेसिव। ये जो जनरेशन यहाँ पर आई है इसको कहा जाएगा F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाएगा। अगर होमोजाइगस कंडीशन है प्योर ये वर्ड यूज होता है, हेटरोजाइगस कंडीशन है डेफिनेशन के अंदर आपने देखा है इसके लिए टर्म इस्तेमाल होगी हाइब्रिड और ये रहेगा हाइब्रिड टॉल इसको कहा जाएगा। हम ये सोच सकते हैं अगर ये टॉल प्लांट बॉडी है दूसरा ड्वार्फ प्लांट बॉडी है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक मीडियम साइज का प्लांट बॉडी तैयार होना चाहिए, हम सोच सकते हैं, दिमाग में बात आती है। लेकिन यहाँ पर मेंडल ने देखा जब ये प्लांट को कल्टिवेट किया गया दिस प्लांट बॉडी सेम लाइक दैट ऑफ द टॉल प्लांट बॉडी, प्योर टॉल के जैसा दिखाई दे रहा था। जीन्स की स्टडी की गई तो हेटरोजाइगस कंडीशन है लेकिन फेनोटाइपिक कैरेक्टर दोनों के अंदर यहाँ पर सेम थे। इसी बेस पर मेंडल ने फर्स्ट लॉ बनाया जिसको है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, यहाँ पर इन हेटरोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट जीन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ रिसेसिव जीन इज प्रेजेंट बट दैट इज प्रेजेंट इज सप्रेस्ड फॉर्म। तो ये डोमिनेंट जीन ये टोटली अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ये प्लांट बॉडी दैट लुक्स सेम लाइक दैट ऑफ द टॉल प्लांट बॉडी, रिसेसिव जीन इज प्रेजेंट बट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन दैट आर प्रेजेंट इन सप्रेस्ड फॉर्म, वो अपना कोई इफेक्ट वहां पर जो है जाहिर नहीं कर पाता है, दैट आर प्रेजेंट इन सप्रेस्ड फॉर्म। इसीलिए इसको यहाँ पर मीडियम साइज ऑफ प्लांट बॉडी नहीं बल्कि इसको हाइब्रिड टॉल हेटरोजाइगस कंडीशन है, एक हाइब्रिड प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार हुआ है तो उसको यहाँ पर कहा जाएगा हाइब्रिड टॉल प्लांट बॉडी के नाम से हम उसको यहाँ पर पहचानते हैं। ये हमारा आ गया F1 जनरेशन। मेंडल ने हमें यहाँ पर बताया है फॉर गेटिंग F2 जनरेशन सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी दैट आर रिक्वायर्ड, इसकी सेल्फिंग करना है, सेल्फ पॉलिनेशन करना है, यानी हम क्या करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी दैट आर क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको उसी के साथ में यहाँ पर उसका जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना है क्रॉसिंग करना है। जब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी सेम अल्फाबेट वहां पर है सेम इंडिविजुअल है तो उसको हम यहाँ पर कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन या उसको कहा जाएगा सेल्फिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर देखो जैसे ये जेनोटाइप था ये भी जेनोटाइप यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अब जेनोटाइप के बाद हमारा अगला टारगेट क्या होता है गैमेट बनाना। अब यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन थी दो में से एक हमने ले लिया था, अब यहाँ पर हेटरोजाइगस कंडीशन है यहाँ पर क्या किया जाए। मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने यहाँ पर देखा जब एक जीन डोमिनेंट है एक जीन रिसेसिव है दोनों केसेस के अंदर व्हाट टाइप ऑफ गैमेट, गैमेट की क्या टाइप यहाँ पर हो सकती है। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट दैट आर प्रोड्यूसिंग, वन गैमेट दैट आर विद कैपिटल टी सेकंड गैमेट दैट इज विद स्मॉल टी, फिर एक गैमेट कैपिटल टी रहेगा सेकंड गैमेट दैट इज विद दैट विल बी स्मॉल टी, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग। जब मेंडल यहां तक स्टेप पर ये पहुंचा है तो उसने सेकंड लॉ बनाया है और वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन। हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स आर नॉट रिड्यूस टू हाफ दे सेग्रीगेट दे सेपरेट, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर दे रिड्यूस टू हाफ लेकिन यहां पर क्या रहेगा दे सेग्रीगेट वो सेपरेट यहां पर हो जाते हैं। अब जब सेपरेशन यहां पर होता है तो गैमेट के ताल्लुक से ऑब्जर्वेशन किया गया कि गैमेट्स आर ऑलवेज इन प्योर फॉर्म, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स आर ऑलवेज इन प्योर फॉर्म, यहां पर कोई डोमिनेंट के साथ रिसेसिव नहीं है, रिसेसिव के साथ डोमिनेंट नहीं है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर दैट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेपरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पर हम देख रहे हैं दो टाइप के गैमेट यहां पर है, दूसरे इंडिविजुअल के अंदर दो टाइप के गैमेट यहां है। अब पहला गैमेट इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, दूसरे का कॉम्बिनेशन इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा। इसको इजीली सॉल्व करने के लिए मेंडल ने यहाँ पर जो है पनेट से स्क्वायर को जो है यहाँ पर यूज किया है जिसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दो गैमेट यहाँ दो गैमेट यहाँ टू मल्टीप्लाइड बाय टू फोर स्क्वायर्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर पनेट से स्क्वायर के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं फोर स्क्वायर्स आर रिक्वायर्ड है इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर
दो गैमेट एक साइड में लिख लो, दो गैमेट दूसरे साइड में, ये क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी। सपोज दिस इज मेल गैमेट, तो ये जो रहेगा ये फीमेल गैमेट रहेगा। इस तरीके से ये जो ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, ये जो ऑप्शन रहेगा ये प्रोडक्ट कहलाएगा एफ टू जनरेशन। ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर क्या चांस रहेगा, कैपिटल टी ये भी यहाँ पर कंबाइन हो सकते हैं, और ये जो इंडिविजुअल रहेंगे ये प्योर टॉल कहलाएंगे। कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर प्योर टॉल। फिर यहाँ पर अगर इनका कॉम्बिनेशन होता है कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल इसको कहा जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा हाइब्रिड टॉल। फिर इनका और इनका कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी जो है यहाँ पर हाइब्रिड टॉल यहाँ पर रहेगा। फिर इनका इनका कॉम्बिनेशन स्मॉल टी इसको कहा जाएगा प्योर ड्वार्फ प्लांट बॉडी। ये हमारे सामने चार ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब मेंडल का जो रिजल्ट है दैट आर शोइंग इन रेशोज, ये परफेक्ट रेशोज के अंदर यहाँ पर बताया गया है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं फेनोटाइपिक रेशो। अब यहाँ पर ये चार ऑप्शन में ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, तीनों प्लांट को अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं एक जैसे दिखाई देंगे, तो हम यहाँ पर कहते हैं थ्री प्लांट्स यहाँ पर जो मौजूद है वो टॉल है और ओनली वन प्लांट बॉडी जो रहेगा वो ड्वार्फ है। तो यहाँ पर फेनोटाइपिक रेशो वो 3:1 यहाँ पर रहेगा, थ्री प्लांट्स आर टॉल, वन प्लांट इज ड्वार्फ। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जेनोटाइपिक रेशो हम यहाँ पर देखते हैं, जब जीन की स्टडी यहाँ पर की जाती है तो जीन की स्टडी करने के बाद हम देखते हैं वन प्लांट बॉडी दोनों के दोनों डोमिनेंट है, ये दो प्लांट बॉडी ऐसे हैं जिसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड कंडीशन पाई जाती है, और वन प्लांट बॉडी यहाँ पर जो मौजूद है उसके अंदर स्मॉल टी कॉम्बिनेशन है। तो फेनोटाइपिक रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर वो 3:1 हमेशा रहेगा। इसी तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जेनोटाइपिक रेशो 1:2:2:1 रहेगा, ये हमेशा रहेगा। जब मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेते हुए F1 F2 जनरेशन हासिल की तो बी प्लांट बॉडी के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक एक को यहाँ पर लिया तो सेम रेशो यहाँ पर आता है। हर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फेनोटाइपिक रेशो 3:1 रहेगा, हर एक के अंदर जेनोटाइपिक रेशो 1:2:2:1 रहेगा। तो बच्चों आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, आपके पास आपने स्क्रीन शॉट लिया होगा या लेक्चर में आप देखो, आपको पूरा टेबल मैंने बनाकर बताया है। मैंने पहले यहाँ पर ले लिया टॉल प्लांट बॉडी दैट आर क्रॉस विद ड्वार्फ प्लांट बॉडी। अब रिमेनिंग 6 कैरेक्टर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है आपको उसी ढंग से इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है बिल्कुल अगर एक मरतबा समझ में आ गया मार्क्स कटने की कहीं पर भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको 6 वहां पर जो बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर है उसकी प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट हो जाना है, और हर एक के अंदर रेशो यही आने वाला है 3:1 फेनोटाइपिक रेशो, और इसी तरीके से 1:2:2:1 ये रेशो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब F1 जनरेशन पर मेंडल पहुंचा तो यहाँ पर उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया। F2 जनरेशन हासिल करने के लिए जब यहाँ पर हेटरोजाइगस के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर उसने बनाया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये पहली सीरीज मेंडल के यहाँ पर हो जाती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ताल्लुक से। अब यहाँ पर जो थर्ड लॉ मेंडल ने बनाया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यहाँ पर दूसरा जो एक्सपेरिमेंट मेंडल का था उसके जरिए से उसने यहाँ पर किया है, और वो है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अगली सीरीज मेंडल की जो यहाँ पर मौजूद है वो डायहाइब्रिड क्रॉस है, उसको हम देखते हैं क्या है। डायहाइब्रिड क्रॉस को हमने टर्मिनोलॉजीज के अंदर इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी है। डायहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है इफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर सिलेक्टेड फॉर क्रॉसिंग। अभी एक एक कैरेक्टर लिए गए, अगर दो दो कैरेक्टर एक साइड के दो डोमिनेंट टेबल के जरिए और उसी के सामने दो कैरेक्टर रिसेसिव के लेंगे, अगर इफ टू कैरेक्टर्स आर सिलेक्टेड फॉर क्रॉसिंग दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट बॉडी के अंदर टॉल प्लांट बॉडी और एक कैरेक्टर हम यहाँ पर ले लेते हैं राउंड, ये दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। इसका क्रॉसिंग अगर हम करना चाहें तो टॉल का रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा वो है ड्वार्फ है, और राउंड का रिसेसिव कैरेक्टर जो रहेगा वो है रिंकल्ड। इस तरीके से
टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर हो जाते हैं। अब इसके जरिए से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। टॉल के लिए यहाँ से प्योर वैरायटी है, प्योर लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्योर टॉल राउंड दैट आर क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ रिंकल्ड। अब इनके जेनोटाइप का हमें फिक्स करना है। टॉल के लिए आपको पता है कैपिटल टी, कैपिटल टी है। राउंड के लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर है। ये हमारा हो जाता है जेनोटाइप है। इसकी क्रॉसिंग यहाँ पर करना है। ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी है और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर। टेबल में आप देखोगे ये तमाम डोमिनर और रिसेसिव के जो अल्फाबेट है वो हमारे सामने वहां पर क्लियर कट आ जाते हैं, वो चीज यहाँ पर होती है। अब बताइए बच्चों, जब जेनोटाइप जीन को हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया है, अगली स्टेप क्या होगी हमारी? अगली स्टेप अकॉर्डिंग टू मेंडल प्रोसेस यहाँ पर है गैमेट फॉर्मेशन। ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस, ये दोनों भी होमोजाइगस कंडीशन, ये दोनों भी होमोजाइगस कंडीशन। और अगर होमोजाइगस कंडीशन होती है तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कैपिटल टी इसका गैमेट रहेगा एक कैपिटल टी, कैपिटल आर एक रहेगा यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल टी एक स्मॉल टी आएगा, स्मॉल आर एक स्मॉल आर आएगा। ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया है। अब अगली स्टेप क्या रहेगी? फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें करना है, टी और टी एक साथ ले लेना है, आर और आर एक साथ ले लेना है। सही मेथड है कि पहले डोमिनेंट को लिखा जाए बाद में रिसेसिव को लिखा जाए। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा हो जाता है F1 जनरेशन। जो पहला प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे सामने है ये F1 जनरेशन। यहाँ पर प्योर लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर प्योर, यहाँ पर जो टर्म लिखना पड़ेगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो इसके लिए जो वर्ड आएगा हाइब्रिड, हेटरोजाइगस कंडीशन है, तो ये रहेगा यहाँ पर हाइब्रिड टॉल राउंड, हाइब्रिड टॉल राउंड। ये फर्स्ट प्रोजीनी हमारे सामने है। अब मेंडल ने जैसे बताया है F2 जनरेशन हासिल करने के लिए हमें F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग करना पड़ेगा। अब सेल्फिंग के अंदर यहाँ पर क्या रहेगा? सेल्फिंग के लिए यहाँ पर क्या रहेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉसिंग इसी के साथ करना है। इसका क्रॉस कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर इसी के साथ करेंगे, ये सेल्फिंग है। अब देखो हेटरोजाइगस कंडीशन है, गैमेट फॉर्मेशन जो है यहाँ पर उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसको हमने सेग्रीगेट कर लिया था, एक गैमेट कैपिटल टी के साथ था, एक गैमेट स्मॉल टी के साथ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और मैं एक फॉर्मूला अपना बनाया हुआ, फॉर्मूला कहीं बुक में नहीं मिलेगा, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। जब यहाँ पर चार अल्फाबेट है, दो डोमिनेंट दो रिसेसिव, तो यर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग, चार अलग अलग टाइप के गैमेट यहाँ पर बनेंगे। अपना फॉर्मूला क्या है? कैपिटल पहले इसको लिख देना है, फिर दो नंबर वाले को स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल। अब इन दोनों का अल्टरनेट लिख देना है, कैपिटल स्मॉल। ये वन साइड में गैमेट बन गए, सेम टाइप उधर भी रहेगी। बताओ क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पर क्या पहले बताया? कैपिटल स्मॉल। अब उसके बाद कैपिटल स्मॉल, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। अगर एक मरतबा यहाँ तक आपका सही आ गया, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। अब इसके बाद ये F2 जनरेशन के लिए गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, F2 जनरेशन हासिल करने के लिए हमें पनेट्स स्क्वायर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर पनेट्स स्क्वायर 4 × 4 16 स्क्वायर वहां पर उसका रिक्वायरमेंट है, और उसके जरिए से हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से F2 जनरेशन के अंदर यहाँ पर जो है हमारे सामने 16 ऑप्शन आते हैं, और उसके अंदर से यहाँ पर जो रेशियो उसका होगा हम देखेंगे 9:3:3:1, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इतना आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लो। इस तरीके से मैं यहाँ पर रोकता हूँ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम लोग यहाँ पर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।